किसने देखा था वहाँ पर मंदिर, और अगर मंदिर था भी वहाँ पर, और अगर उस वक्त आज ही इतने सालों पहले वहाँ मस्जिद बन गई थी, तो फिर से उसे तोड़ के आप क्यों बनाएंगे मंदिर? और अगर आपको बनाना ही था, खतरे में नहीं है ये देश, खतरे में है ये देश, खतरे में है मोदी जी अमित शाह जैसे लोगों से, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों से, ये देश खतरे में है। मेरा नाम ऋचा शर्मा है। आप कहाँ से आई हैं इसमें? मैं दिल्ली की हूँ, बट मैं जॉब करती हूँ गुड़गांव में। और क्या रहा मैडम, क्या वो है चुभा आपको जो आप इस मार्च में इतने दूर? देखिए, ये सिर्फ बात JNU की नहीं है कि JNU की फीस बढ़ाई गई है, मुद्दा ये है कि शिक्षा संस्थान जितने भी हैं हमारे यहाँ, एजुकेशन बाकी जगह की भी फीस क्यों ज़्यादा है? पढ़ाई पे हक क्या सिर्फ एक तबके का होना चाहिए? पढ़ाई पे हक क्या हर उस इंसान का नहीं होना चाहिए जो पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है? मोदी जी खुद पढ़े लिखे होते तो शायद आज हमारे साथ खड़े होते। मोदी जी ने शिक्षा के, उनको शिक्षा से फ़र्क क्या पड़ता है? वो बिना शिक्षा पूरी करे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो उनको शायद यही लगता है कि वो जब इस तरह के बयान देते हैं कि पकौड़े तलो, तो वो उनका शायद माइंडसेट ही है। इकोनॉमी तो क्राइसिस में है ना मैडम? हाँ, इकोनॉमी क्राइसिस में क्यों है? 2014 से ही क्यों है इकोनॉमी क्राइसिस में? और अगर इकोनॉमी क्राइसिस में है तो आप 3,000 करोड़ की मूर्तियां क्यों बना रहे हैं? अगर इकोनॉमी क्राइसिस में है तो पार्लियामेंट में आप कैंटीन में 2 रुपये की थाली क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल मैम, सांसदों को तो आप देख ही रहे हैं 2 रुपये की, 5 रुपये की कॉफी। अगर इकोनॉमी क्राइसिस में है तो बच्चों को पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? जितने भी नेता हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनको बोलिए ना कि वो अपनी सैलरीज कम करें, वो लोग अपना कम खाएं, जाके अयोध्या में करोड़ों दिए ना जलाएं, जाके 3,000 करोड़ की मूर्तियां ना बनाएं, अगर इकोनॉमी क्राइसिस में है तो। एजुकेशन पर ही क्यों वार कर रहे हैं वो? क्योंकि वो उन बच्चों को आगे नहीं बढ़ने, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा हुजूम है, उनको प्रॉब्लम इससे है। उनको प्रॉब्लम एजुकेशन से नहीं है, उनको प्रॉब्लम इससे है, क्योंकि आज की डेट में आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं अपोजिशन खत्म हो चुकी है, उनके अंदर तो अब कुछ भी बोलने के लिए रहा नहीं है, ये है अपोजिशन, और वो इसको भी खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि पहले धर्म की राजनीति नहीं हुआ करती थी इस देश में, पहले अग्री बहुत सी सरकारें आती हैं, बहुत करप्शन भी होता है, वो हर सरकार में करप्शन होता है, बट तब मुद्दे धर्म की राजनीति के नहीं होते थे। अगर करप्शन था पर वहाँ पर इकोनॉमी के बारे में भी सोचा जाता था और हमारा देश आगे बढ़ रहा था। आज की डेट में धर्म की राजनीति करने के लिए इस लेवल पर उतर गए हैं सारे के सारे कि मॉब लिंचिंग्स होती हैं, या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जाता है, या यहाँ पर दलितों को मारा जाता है, और अगर उनको वोट लेनी होती है तो वो जाके राम मंदिर करते हैं, वो जाके स्टैचूज बनाते हैं। तो इकोनॉमी कहाँ से ग्रो करेगी आप मुझे बताइए? ये पाकिस्तान होता रहता है सुबह शाम, इसको कैसे देखते हैं आप? सर, पाकिस्तान से आप मुझे पहले एक छोटी सी बात बताइए, पाकिस्तान पाकिस्तान है। अभी आप अपनी कंट्री की बात कीजिए ना, अभी हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान की प्रॉब्लम्स है वो तो सॉल्व करिए, पाकिस्तान तो प्रोपोगंडा वो बनाएंगे ना, क्योंकि जहाँ यहाँ पर जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो या तो हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है या फिर पाकिस्तान शुरू हो जाता है, कहीं तो दिमाग भटकाएंगे ना, क्योंकि हर इंसान हमारे आपके जैसा नहीं सोचता। इस देश में प्रॉब्लम सारी की सारी यही है, लोग मुद्दों से भटक चुके हैं। यहाँ की क्यों बात कर रहे हैं कि 40,000 निकाले जाएंगे? आप मारुति को देखिए, आप BHEL को देखिए, सब कुछ प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? मैं अभी थोड़े दिन पहले BSNL गई थी, मुझे कुछ काम था, वहाँ की खुद एम्प्लॉय ने हमें बताया कि 2-2 महीने से हमारी सैलरीज नहीं आई हैं। 9 महीने से भी नहीं आई। एग्जैक्टली, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब गवर्नमेंट की एजेंसी, आज तक ऐसा हुआ था कि एक गवर्नमेंट, मेरे मम्मी पापा गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं और वो हमेशा ये कहते थे कि गवर्नमेंट सर्वेंट के पास कुछ और होना हो लेकिन उसके पास सिक्योरिटी है, वो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को कम से कम रोटी खिला सकता है। लेकिन आज ये हालात पैदा हो गए हैं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी डरा हुआ बैठा हुआ है कि पता नहीं कब हमारी नौकरी चली जाए। तो ये कहाँ का विकास है आप मुझे बताइए। मोदी जी अपने विकास के नारे के साथ आए थे कि विकास है, बच्चों को सड़कों पर तुमने लाकर खड़ा कर दिया है, ये विकास है? हिंदू मुस्लिम करते करते आपने कितने लोगों को मरवा दिया है, ये विकास है? राम मंदिर क्या है? राम मंदिर आप मुझे बताइए, कौन से, क्या भगवान राम ने नीचे आकर बोला था कि आप मेरे मंदिर के लिए लोगों को मारो? आप एक मस्जिद जो ऑलरेडी वहाँ पर बनी हुई थी आप उसको तोड़ो, क्या राम जी ने आकर ये बात बोली थी?
जो एक राम भगवान जिन्होंने खुद सैक्रिफाइस किया था अपने सौतेले भाई के लिए, वो जंगलों में चले गए थे, आप उनको लाके किसी की मस्जिद तोड़ के वहाँ पर बिठाना चाहते हैं? पर मैं ऐसा भी तो कहा जा रहा है कि मस्जिद के पहले मंदिर था वहाँ। किसने देखा था आप पहले मुझे बताइए, किसने देखा था वहाँ पर मंदिर? और अगर मंदिर था भी वहाँ पर, और अगर उस वक्त आज ही इतने सालों पहले वहाँ मस्जिद बन गई थी, तो फिर से उसे तोड़ के आप क्यों बनाएंगे मंदिर? और अगर आपको बनाना ही था तो हॉस्पिटल बनाते, आप एक और नया JNU खड़ा करते ना, वहाँ की फीस अपनी मर्जी से लेते, एजुकेशन, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई भी खोलते, आप वहाँ हॉस्पिटल्स, इतने लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, कौन से एम्स बने आप मुझे बताइए पिछले 5 सालों में, बनाइए वहाँ पर जाके एम्स। आखिरी सवाल है मेरा, आपको सरकार से डर नहीं लग रहा, आप MNC में हैं, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है? सर डरती तो मैं यहाँ नहीं होती, डरती मैं किसी से भी नहीं हूँ, जो अगर अगर हम जैसे लोग डर जाएंगे तो ये इतनी भीड़ भी इकट्ठी नहीं हो पाएगी। और किससे डरना है, क्यों डरना है आप मुझे बताइए, किसी का, किसी की किस्मत का कोई नहीं खा सकता, और मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि अगर मैं डर गई तो शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं वो भी डर के बैठ जाएंगे, और अगर हम आज नहीं उठे तो हमारी आगे वाली जनरेशन, हमारे बच्चे वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ज़िंदगी में, अपने सपने पूरे कर ही नहीं पाएंगे। ये देश, मुझे अब ऐसा लगता है कि हम लोग शायद डेमोक्रेसी पीछे छूट गई है और अब तानाशाही शुरू हो गई है, और जो लोग हैं, जो जिन लोगों के पास आज अच्छी नौकरियां हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, जिनके पास अच्छे बड़े बड़े घर हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। फ़र्क पड़ता है उन लोगों को जो, जिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं, फ़र्क पड़ता है उन लोगों को जिनके बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए जो एक उनको उम्मीद थी कि JNU जैसी यूनिवर्सिटी में वो अपने बच्चों को पढ़ा के कम से कम उनके बच्चे आगे बढ़ के घर चला पाएंगे, वो तो उनसे वो हक भी छीन रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि बस यहाँ पर चारों तरफ देश में जियो, अंबानी, अदानी बस ये चलता रहे? यहाँ जियो भी यूनिवर्सिटी लाना चाहते हैं JNU हटा के? यहाँ पर आपका BJP IT सेल क्या फैला रहा है लोगों के बीच में? JNU बंद होना चाहिए, क्यों JNU बंद होना चाहिए? किसी के बाप का नहीं है JNU, और ना ही JNU BJP ने खड़ा किया था, ना मोदी जी ने खड़ा किया था JNU। JNU हर उस बच्चे का हक है, जो बच्चा किसान और मजदूरों का है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा लायक है, JNU उसका है। अगर आप होम मिनिस्टर तड़ीपार को बनाएंगे तो वो तो प्रज्ञा ठाकुर तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर आज हमारी कंट्री आपने पूरी उस आदमी के हाथ में दे दी है जिसके बारे में सबको पता है कि गुजरात में उसने रॉइड्स कराए थे, गुजरात में उसने लोगों को मरवाया था, आज आपने पूरी होम मिनिस्ट्री उसको दे दी है, तो प्रज्ञा ठाकुर उसके ऊपर तो सिर्फ एक टेररिज्म का केस चल रहा है, उसके ऊपर से उनको केस हटवाना भी तो है, तभी तो हटेगा, इसीलिए तो लाया गया उसको देश में। आप मुझे बताइए ना, फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे लोगों को दिक्कत क्या हिंदू राष्ट्र से? सर आप मुझे बताइए, हमारा देश क्या कहा जाता था उसको? धर्म निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म। हमारा संविधान हमें सेक्युलरिज्म सिखाता है, हमें धर्म, हमारा देश, और हमारे देश की ब्यूटी यही थी कि डाइवर्सिटी है हमारे देश में। आप मुझे बताइए हम क्यों किसी भी इंसान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के तरह से देखते हैं? क्यों हम उसे इंसान की तरह नहीं देख सकते? आप, मैं, मुझे नहीं पता कि आपका क्या धर्म है, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या मैं ये सोच के बात कर रही हूँ कि आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ तो मैं इसलिए आपसे बात करूँगी, या ये मुसलमान है तो मैं इससे बात नहीं करूँगी? क्या होता है धर्म, आप मुझे बताइए। सर धर्म सिर्फ एक चॉइस है, आप एक, आप अल्लाह को फॉलो करना चाहते हैं, आप खुशी से अल्लाह को फॉलो करो, मैं राम को फॉलो करना चाहती हूँ, मैं राम को फॉलो करूँगी, आप गुरुद्वारे को फॉलो करना चाहते हैं, आप गुरुद्वारे जाइए, उसमें उस आप मुझे बताइए उसमें किसी को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप फॉलो करिए धर्म को, और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि सिर्फ ये मेरा ही धर्म होना चाहिए, धर्म प्यार बांटना, इंसानियत सिखाता है। धर्म का मतलब ही यही होता है कि आप अगर मंदिर में जा रहे हैं या आप अगर मस्जिद में जा रहे हैं तो आप बाहर निकल रहे हैं, जो बाहर एक आदमी भूखा बैठा है आपको उसको खाना खिलाना है, आपको किसी की मदद करनी है, जो इंसान बीमार है आप अगर कर सकते हैं तो आप उसको, उसका इलाज कराइए, धर्म ये सिखाता है। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है आप मुझे बताइए, क्यों होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, जब हमारा, हमारे संविधान में हमें शुरू से हम सब मिलजुल के रहे हैं, हम जब पार्टीशन के बाद यहाँ पर पहले से ये तय हो गया था। हिंदू तो खतरे में, किससे खतरे में आप ये बताइए, हिंदू खतरे में है किससे? माइनॉरिटी से, जिन बेचारों को तुम सड़कों पे सिर्फ इसलिए मार देते हो कि वो जय श्री राम नहीं बोल रहे, उनसे खतरे में है हिंदू? या
जिन लोगों को आप काउ स्लॉटरिंग के नाम पर आप मार देते हो उनसे खतरे में है हिंदू? किससे खतरे में है हिंदू? हिंदू खतरे में नहीं है, ये देश खतरे में है। ये देश खतरे में है मोदी जी, अमित शाह जैसे लोगों से, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों से, ये देश खतरे में है। ठीक है, थैंक यू। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और